डीएसपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। रविवार रात को रोहतांग दर्रा, बारालाचा व कुंजुम दर्रा में करीब 5 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात हुआ है। वहीं कोकसर और सिसु में हल्की बर्फबारी के साथ ओले भी गिरे। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से समूचा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है। हालांकि सोमवार को लाहौल स्पीति व कुल्लू में हल्के बादल छाए हुए हैं। कोरोना को मात देकर 20 दिन बाद सचिवालय पहुंचे सीएम जयराम, अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना को मात देने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 20 दिन बाद सोमवार को राज्य सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को रोकने के उपायों पर मंत्रणा की। उसके बाद उन्होंने डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ भी यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। दोपहर बाद वे ओकओवर लौट गए। 360 साल के इतिहास में पहली बार उत्सव में आए मात्र 11 देवता। विश्वविख्यात कुल्लू दशहरा में 360 सालों के इतिहास में पहली बार मात्र 11 देवी देवताओं ने भाग लिया है। हालांकि भगवान रघुनाथ की मूर्ति को सन 1650 में अयोध्या से कुल्लू लाया गया है, लेकिन कुल्लू दशहरा उत्सव का आयोजन 1660 से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच करीब 300 साल तक अंग्रेजों के शासन के दौरान भी देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में सैकड़ों की संख्या में देवी देवता भाग लेते आए हैं। लेकिन कोरोना काल ने 360 साल के इतिहास को बदल कर रख दिया है। 2020 के दशहरा को जिला कुल्लू के साथ प्रदेश व देश के लोग कई सदियों तक याद रखेंगे। बिलासपुर लेह रेल ट्रैक से ले सकेंगे 13 वन्य प्राणी सेंचुरियों के नज़ारे। सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेल ट्रैक पर 13 वन्य प्राणी सेंचुरियों के नज़ारे भी ले सकेंगे। इस ट्रैक के 2 से 10 किलोमीटर के दायरे में हिमाचल की 10 और लद्दाख की 3 सेंचुरियाँ आएंगी। इनमें हिमाचल की 7 और लद्दाख की 2 सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन में शामिल हैं। सभी सेंचुरी रेल लाइन की जद में आनी थी, लेकिन उत्तर रेलवे और वन विभाग ने ऐसा प्लान बनाया है कि न केवल इन सेंचुरियों को सुरक्षित किया बल्कि इन क्षेत्रों को रेल ट्रैक का अहम हिस्सा भी बनाया जाएगा, ताकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे वन्य प्राणियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। कोरोना से मौत के मामलों में कांगड़ा को पीछे छोड़ शिमला नंबर 1। कांगड़ा को पीछे छोड़कर जिला शिमला कोरोना डेथ में सबसे आगे हो गया है। जिला शिमला में 63 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। डेथ रेट में जिला कांगड़ा शुरू से अब तक सबसे आगे था। इस जिले में 61 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बीते दिन शनिवार को एक साथ 3 मौत के मामले आने से जिला शिमला का आंकड़ा बढ़ गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 245 मौतें हो चुकी हैं। भगवान नरसिंह की निकली भव्य जलेब, ढालपुर में बांधा रक्षा सूत्र। कोरोना काल में कुल्लू में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन सोमवार को ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान नरसिंह की भव्य जलेब निकली। जलेब के माध्यम से नरसिंह भगवान ने ढालपुर में रक्षा सूत्र बांधा। शाम करीब 4:15 बजे शाही अंदाज में निकली जलेब में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह पालकी में सवार हुए। कोरोना के नियम ना टूटे इसके लिए जलेब में महाराजा कोठी के आराध्य देवता जमदग्नि ऋषि ही शामिल हुए। हिमाचल में किसानों के सामने गहराया खाद का भारी संकट। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बिजाई से पहले ही खाद का संकट पैदा हो गया है। हिमफेड के स्टोरों में न मिश्रित खाद मिल रही है और न ही सुपर या पोटाश जैसी खादें मिल रही हैं। भाजपा के पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता और सेब बागवान चमन चौहान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कहा है कि हिमफेड के स्टोरों में किसानों और बागवानों के लिए खादें उपलब्ध नहीं हैं। बागवान हर रोज हिमफेड के स्टोरों के चक्कर काट रहे हैं। मंडी की रहने वाली टीवी अभिनेत्री कृतिका चौहान मुंबई में गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट ने टीवी अभिनेत्री कृतिका चौहान समेत 2 लोगों को 99 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को वर्सोवा के मच्छीमार से की गई थी। कृतिका को एक अन्य आरोपी फैजल के साथ रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 8 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हिमाचल प्रदेश में करसोग के मूल महुनांग गाँव की रहने वाली कृतिका सावधान इंडिया, देवों के देव महादेव, संकट मोचन महाबली हनुमान, वैष्णो देवी में काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। चित्रों से कालका शिमला रेल लाइन का इतिहास जानेंगे लोग। राजधानी शिमला के स्थानीय लोग और बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी अब कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के इतिहास की जानकारी चित्रों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे।
शिमला के ओल्ड बस स्टैंड स्थित बाबा भलकू रेल संग्रहालय के बाहर ओपन एयर म्यूजियम की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने का काम पूरा हो गया है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक के इतिहास और शिमला शहर की खूबसूरती को चित्रों के जरिए यहाँ खूबसूरत तरीके से दीवारों पर उकेरा गया है। अनशन तुड़वाने रात 2:30 बजे पहुंची पुलिस, युवाओं को घसीटा, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के कुंठेड़ा में नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे युवाओं को बीती रात पुलिस ने जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया। युवाओं को पुलिस ने घसीट कर अनशन स्थल से उठाने की कोशिश की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्षेत्र के करीब 200 से ज़्यादा लोगों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 2:30 बजे घुमारवीं थाना प्रभारी दलबल व एम्बुलेंस साथ लेकर मसौर पहुंचे। पुलिस ने वहां पर सो रहे अनशनकारियों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें पुलिस वहां सो रहे युवाओं को घसीटती हुई साफ दिख रही है। इस पर वहां काफ़ी हंगामा हो गया।